हेलो व्हाट्सअप गाइस, हाउ आर यू ऑल, वेलकम टू माय न्यू गेम प्ले वीडियो। तो गाइस आज हम खेलने वाले हैं मार्वल मिडनाइट सन्स। तो जिन लोगों को पता नहीं होगा कि इस गेम की कहानी में आखिर चल क्या रहा है, तो मैं हूं ना, मैं आप लोगों को बताऊंगा कि इस गेम की कहानी में आखिर चल क्या रहा है। इस गेम में हमारा एक कैरेक्टर है जो कि हंटर है, जो कि सबसे पावरफुल ताकतवर कैरेक्टर है, और उसकी एक मदर है जो कि लिलिथ है। वो काफ़ी डेंजरस इस पूरे गेम की विलन है, काफ़ी डेंजरस विलन है, काफ़ी जादुई शक्ति उसके पास। तो उस लिलिथ को जिंदा करा है हाइड्रा के एक सरफिरेस से साइंटिस्ट ने, जिसका नाम है डॉक्टर फॉस्टस। उसी ने लिलिथ को जिंदा करा ताकि वो पूरे जगह पर अपना कब्जा कर सके और सब जगह पर तबाही मचा सके लिलिथ की मदद से। पर हमें उसे रोकना ही था, डॉक्टर फॉस्टस को। तो हम जैसे तैसे करके हम और हमारी एवेंजर्स की टीम गई डॉक्टर फॉस्टस के ठिकाने पर, और हमने उसे रोकने की कोशिश करा। तो उस डॉक्टर फॉस्टस ने काफ़ी सारे हाइड्रा के बॉडीगार्ड हमारे पे भेज दिया हमला करने के लिए। हम एक एक हाइड्रा के गुंडे को चुन चुन कर हमने सभी को मार दिया। फिर डॉक्टर फॉस्टस को हम जैसे ही पकड़ने वाले थे, तो डॉक्टर फॉस्टस उस जगह पर एक अजीब सा संदूक था, उस संदूक पर अजीबो गरीब एक्सपेरिमेंट करे जा रहा था, पता नहीं क्या करे जा रहा था। तो हमने संदूक को ले लिया, तो उतने बीच में डॉक्टर फॉस्टस एक हेलीकॉप्टर में बैठकर भाग गया और हमारे हाथों से निकल गया। तो डॉक्टर फॉस्टस हमारे हाथों से निकल गया, तो फिर हमने उस संदूक को लेकर हम अपने घर पर आ गए। हमारी हीरोज की टीम पूरी घर पर आ गई, और मैंने उस क्रेट को लेकर जाकर डॉक्टर स्ट्रेंज को दे दिया, वो जो करना है वो करेगा। तो हम अपने घर पर आ गए और आराम करे जा रहे हैं। तो जब हम आराम करे जा रहे, तो हमारी पूरी हीरो की टीम जो कि एवेंजर्स की टीम है, वो सब आराम करे जा रही है। या हमारे रूम से हम बाहर निकल लेते हैं, और कुछ दिनों से एगाथा से हमारी काफी बातें हो रही है। और एगाथा है कौन? जो हमारी मदर है लिलिथ, उस लिलिथ की सिस्टर है, लिलिथ की दो सिस्टर है, एक केयरटेकर जो कि इस पूरे जगह को संभालती है, जो कि हमें मिशंस देती हैं, और एक एगाथा जो कि मर चुकी है। एगाथा की आत्मा से हमारी बातें हो रही है, जो कि 6 से 7 दिनों के बीच में है, मतलब एगाथा से हमारी बातें हो रही है, जो कि काफी डेंजरस है। उसकी आत्मा हमारे बात ये हो रही है कि मतलब जो भी हमारी बात हो रही है बीच में, वो हमारे इन दोनों के, एगाथा ने कहा है कि हम दोनों के बीच में जो भी बातें होगी वो हम दोनों के बीच में ही होना चाहिए, कि तुम किसी को बताना मत, ये सीक्रेट रखना, यहाँ तक कि केयरटेकर को भी नहीं बताना है। वो बात काफी खुफिया है। ये रही केयरटेकर जो कि लिलिथ की सिस्टर है। तो ठीक है, तो एगाथा ने पिछली लास्ट टाइम हमारी एगाथा से बात ये हुई थी, एगाथा ने कहा था कि तुम फटाफट से लाइब्रेरी के डोर में आ जाओ, मैं तुम्हें वहीं पर मिलती हूँ। तो लाइब्रेरी का डोर तो ये यहीं पर है, यहाँ पर देखो एक बुक पड़ा हुआ है, और ये लाइब्रेरी, ओपन द लाइब्रेरी डोर। तो मेरे पास एक शक्ति है जो कि मैं रहस्यमय दरवाजों को खोल सकता हूँ मैं। तो उस शक्ति मुझे ऑस्टर की गुफा से मिली है, और वो गुफा इसी एरिया के एबे है, जो जगह है, इस जगह का नाम एबे है, इसी जगह के पीछे गुफा है, वहीं पर ऑस्टर की गुफा है, वहीं से आगे था की वजह से हमें वो शक्ति मिली, जो कि हम किसी भी रहस्यमय दरवाजे को खोल सकते हैं। चलो, I'm glad to see you're getting comfortable with the words of power, honey. तो if you're going to continue our little investigation, चलो बातें तो होगी, हम बातें, just ये देखो, what in the hell do you think you're doing in here? किसे शक हो गया कि हम एरिता से बातें करने जा रही हैं, जो कि काफी डेंजरस बात है। Rain so you could get back on your feet, but I never thought you'd pull something like this. I इसे कुछ तो शक हुआ है कि हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, क्योंकि ये काफी सीक्रेट जगह है। Decoy, it does not suit you. हम इसे थोड़ा थोड़ा जो ये देखो, बुक तो ओपन है, केयरटेकर काफी शक हो गया उसे। It's been since we lost Agatha. Instead of letting it rest, you decide to. केयरटेकर को काफी गुस्सा आ गया हमारे पे, जो कि काफी बुरी बात है। I would never. I never thought of this place like that. Of course you didn't. And now. Caretaker, why should I ever stand in your way? Caretaker तो जा चुकी है, लगता है हमें caretaker के पीछे जाना होगा। और caretaker से ये देखो, एगाथा आ गई, ठीक है? चलो भाई, एगाथा से हम बातें करेंगे बाद में, ठीक है? चलो एगाथा, स्किप करते हैं टॉकिंग को फटाफट से। रीड वांडा'स जर्नल, तो वांडा का जर्नल शायद से ये रहा। तो यहाँ पर हमारी एक चार्ली डॉगी बैठी हुई है। चलो, एगाथा'स अल्टर वांडा जर्नल, तो ये रहा, जो कि काफी रहस्यमय बुक है। इस बुक में कुछ शक्ति तो मिल सकती है, तो इन बातें तो हम हटाते हैं। एगाथा'स अल्टर, फाइंड
एगथास एल्टर। तो चलो एगथा के एल्टर को हमें ढूंढना है। चल भाई चार्ली चल, ये चार्ली को भी बहुत कुछ पता होता है इस एबे के बारे में, जितना हमें नहीं पता उस चार्ली को उतना पता है। तो हंटर इस कैरेक्टर को इसीलिए बनाया गया है कि इसकी मदर को रोका जा सके, जो कि काफ़ी डेंजरस है। ये चार्ली पता नहीं कहाँ पर जाए जा रही है। चल चार्ली चल, भागते रहे तो चार्ली मैं तेरे पीछे पीछे आ रहा हूँ। यहाँ पर एक और दरवाजा है, लगता है मुझे उसी शक्ति के मदद से इसे भी खोलना होगा। चलो चल चार्ली चला जा। वो रही एगथा, काफ़ी डेंजरस है। यहाँ पर काफ़ी अजीब सी लाइटें जले जा रही हैं, नीली कलर की लाइटें आगे जले जा रही हैं मशालों में। तो एगथा से हम बातें करते हैं। ठीक है, यू गोइंग टू मेक मी सेक ह्यूमर एन ओल्ड डेड वुमन। चलो पर देखो कुछ तो प्रकट हुआ है, जो कि चार दीवारें प्रकट हुई है, पिलर्स टाइप। यू हैवंट लॉस्ट योर पता नहीं कैसे से पिलर्स हैं। चलो एगथा मैं तुमसे बाद में बातें करूंगा। ये एगथा बहुत बातें करती है। ये देखो एक की मिली हमें, आर्केन की। आर्केन की मुझे लगा ही था कुछ। जस्ट अ लिटिल समथिंग। चलो ठीक है, इस चाबी को लेकर ना मैं यूज एन आर्केन की टू ओपन एन आर्केन चेस्ट। तो एगथा ने ये चार दीवारें जो कि पिलर्स टाइप दीवारें हैं, 1 2 3 4 इन चारों दीवारों को उगा दिया है, प्रकट कर दिया है, और यहाँ पर एक आर्केन की है। तो फटाफट से इस की को लेकर मैं सीधा चलता हूँ। मैं सीधा वहाँ पर मैंने एक संदूक देखा था, जो कि मुझे वहाँ पर ये चाबी लगानी है, और देखता हूँ मुझे लगाने के बाद क्या मिलता है। काफ़ी कुछ अनोखा चीज मिलने वाला है। ये हंटर का स्टाइल काफ़ी अलग है, चाबी खोलने में भी इसने काफ़ी अलग स्टाइल। मुझे 21 क्रेडिट्स मिले हैं और कुछ पैसे मिले हैं। तो मुझे एगथा से बात करना होगा। एगथा तो यहाँ पर है नहीं, शायद से वो लाइब्रेरी में चली गई होगी। तो मुझे यहाँ पर कुछ तो लगाना है, मतलब चार चीज़ें लगाना है मुझे, चार। ये चार अलग अलग चीज़ें हो सकती हैं, तो मुझे ढूंढ कर काफ़ी सारा ढूंढना होगा, तब लगाना होगा। तो चलो फटाफट से ना मैं ढूंढ कर सीधा चार सामान मुझे ढूंढना होगा, कहाँ पर कौन सा सामान मिलने वाला है तो मुझे वहाँ पर देखना होगा। तो फटाफट से मैं पहले एगथा से बातें कर लेता हूँ। एगथा कुछ जानती होगी उस सामान के बारे में। तो फटाफट से मैं पहले घर पर चलता हूँ और एगथा से मिलता हूँ। यहाँ पर ये देखो ये एक स्विमिंग पूल भी है, जो कि काफ़ी बढ़िया स्विमिंग पूल है। तो इसमें हम जाएंगे, पर एक बार जाकर देख लेते हैं। ये देखो ये देखो ये तो भाई मस्त में बैठा है। अभी हमें बैठना नहीं है, ना ही हमें स्विमिंग करना है, हमें I needed that. चलो ठीक है। ये वाटर रॉड जो कि अंदर है, ये वाटर रॉड, चलो वाटर रॉड तो मुझे मिल चुका है। मुझे और 3 रॉड ढूंढना होगा। एगथास एल्टर तो ठीक है, चलो 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 अभी घर के अंदर चलते हैं। मुझे फटाफट से और 3 रॉड्स को ढूंढना होगा। तो चलते हैं अंदर, एगथा से एक बार बातें कर लेते हैं। लाइब्रेरी वो रही सामने, एगथा से मैं बात कर लेता। मुझे कि एक मिल गया है और बाकी के 3 तुम्हें पता है कहाँ पर है? आई सी यू फाउंड वन ऑफ द एलिमेंटल रॉड्स। ठीक है, हाँ मुझे एक मिला है। इफ यू लाइक टू कीप गोइंग यू मे कीप सर्चिंग फॉर मोर। अच्छा, मुझे ढूंढते रहना होगा। हेलो हंटर। अच्छा, अंटिल वी स्पीक अगेन। हाँ हम बाद में बातें करेंगे, पहले ना मैं वो 3 ढूंढ लेता हूँ फटाफट से जाकर। मैं ढूंढते ढूंढते यहाँ पर पहुँच गया हूँ, और इस जगह पर जो कि एक एरिया है, यहाँ पर वैसे तो कुछ पड़ा नहीं होता, फेडेड जर्नल पड़ा है यहाँ पर, और कुछ तो पड़ा नहीं है यहाँ पर। ओ फायर रॉड, मुझे मिल चुका है, यानी कि मुझे 2 रॉड मिल चुके हैं, जो कि काफ़ी बढ़िया है। अब मैं फटाफट से यहाँ से निकल लेता हूँ, मैं 3रे रॉड की तरफ ढूंढने के लिए। फटाफट से उसे भी ढूंढ कर, एक और ढूंढ कर मैं सीधा एगथा के एल्टर पर जाऊँगा और वो चारों लगा दूंगा मैं। चलो तो मैं ढूंढते ढूंढते मैं अपने इस जगह पर आ गया हूँ। मैंने काफ़ी सारे एबे में ग्राउंड्स के सब एक एक चप्पा चप्पा छान मारा, जो कि मुझे काफ़ी सारे अजीब व गरीब चीज़ें तो मिली हैं। बस ये एक जगह बचा है जो कि दरवाज़ा लॉक है। मैं इसे अपनी शक्ति से एक बार खोल कर देख सकता हूँ, क्योंकि यहीं पर मैं बनाया गया हूँ, मतलब यहीं पर मेरा जन्म हुआ है। चलो ये दरवाज़ा तो ये देखो, ये जो संदूक है, बड़ा सा चेस्ट, इसी में मैं पैदा हुआ हूँ। मुझे पता ही था कि यहाँ पर कुछ ना कुछ तो मिलने ही वाला है, क्योंकि मैंने काफ़ी सारी जगह पर ढूंढ लिया पर कुछ मिला नहीं। इस जगह पर मुझे मिला जो कि अर्थ रॉड है, फायर रॉड भी हो गया, वाटर रॉड भी हो गया। तो अब मुझे बस ढूंढना तो है एक रॉड, जो कि काफ़ी डेंजरस रॉड है। उस रॉड को अगर मैं ढूंढ लूँ
तो बस मेरा काम खत्म हो जाएगा और मैं आगे तक के एल्डर में जाकर चारों पिलर्स में वो रॉड लगा दूंगा और काफ़ी मुझे कुछ तो नया चीज़ मिलेगा जो कि काफ़ी डेंजरस चीज़ होगा। उससे मैं काफ़ी ताकतवर हो सकता हूँ या तो मेरे पास कोई शक्ति आ सकती है, कुछ भी आएगा पर काफ़ी पावरफुल आएगा। चलो मैं चौथे रॉड को ढूंढते ढूंढते मैं एक ऐसी जगह पर आ चुका हूँ जो कि यहाँ पर काफ़ी अजीब सी रोशनी जले जा रही है जो कि काफ़ी डेंजरस है। मुझे पता नहीं ये कैसा सी रोशनी है, तो मुझे आगे बढ़ते रहना होगा क्योंकि यहाँ पर कुछ भी हो सकता है। और ये देखो यहाँ पर कुछ तो मिलना चाहिए तो हो हमें, वैसे तो कुछ होगा तो नहीं यहाँ पर, फिर भी मैं आगे बढ़ते रहूँगा मुझे आगे बढ़ते रहना होगा। ये देखो ये मुझे विच हेजल कुछ मशरूम्स मिलने जा रहे हैं, ऐसी अजीबोगरीब चीज़ें मिले जा रही हैं मुझे। ये रहा एग्था का अल्टार, बस मुझे एक चीज़ और ढूंढना है, फटाफट से मैं उसे ढूंढ लेता हूँ। मैं तो मैंने काफ़ी सारा जगह पर तलाश लिया, एक एक ज़मीन मैंने ढूंढ निकाला पर मुझे अभी भी कुछ मिला नहीं है। मैं घूम फिर कर यहीं पर आ जा रहा हूँ। मेरे पास 3 रॉड तो हैं, मैं चाहिए तो अभी भी लगा सकता पर मुझे एक साथ रॉड्स को लगाना है। बस मैंने ये एक जगह, ये गेट जो कि मैंने देखा ही नहीं अभी तक, पर ये गेट लॉक है, शायद से मेरे वर्ड ऑफ पावर की शक्ति से ये गेट ओपन हो जाएगा तो मेरे लिए काफ़ी अच्छा हो जाएगा क्योंकि मैंने आगे के सारे ग्राउंड्स को चेक कर लिया है। चलो विस्परिंग वुड, शायद से ये न्यू एरिया अनलॉक हुआ है। ये देखो यहाँ पर वो देखो यहाँ पर कुछ तो है, द हर्मिट है, मुझे शायद से कुछ कार्ड्स मिले हैं, एयर रॉड। चलो सब रॉड्स, एलिमेंटल रॉड्स, हो और कुछ लेवल अप जो कि काफ़ी बढ़िया है। चलो फटाफट से चलते हैं, मुझे इन 4 रॉड्स को फटाफट से उन पिलर्स में लगा देना है और मुझे देखना है कि आखिर होता क्या है। ये क्या, मैं किसी गलत जगह पर जा रहा हूँ? मैं जहाँ से आया था शायद यहाँ पर भी रास्ता बंद है। मैं कहाँ से आया था? मैं शायद से यहाँ से आया था क्या? नहीं, मैं आया तो उस तरफ से हूँ। हाँ ये रहा, वो रहा रास्ता जो कि बाहर निकलने, नहीं यहाँ से तो मैंने वो रॉड लिया है, ये बाहर निकलने का रास्ता नहीं है। बस बाहर निकलने का रास्ता ये रहा। चलो फटाफट से मुझे गेट तो मिल चुका है, फटाफट से चारों की चारों रॉड्स को मैं लगा दूँ फटाफट से इन चारों पिलर्स में। मुझे सोच समझ कर लगाना। एयर रॉड इसमें लगेगा, एयर रॉड इसमें नहीं लगेगा, अर्थ रॉड भी नहीं लगेगा। The patterns do not match. ये रॉड भी नहीं लग रहा है, वाटर रॉड। ओह ये रहा वाटर रॉड, तो मुझे इन पजल्स की तरह सॉल्व करना होगा। इन पिलर्स में क्या क्या लग रहा है? ये फायर रॉड नहीं लगा, एयर रॉड शायद। ओ सही है, एयर रॉड मैंने सही लगाया। इस वाले पिलर्स में शायद अर्थ रॉड हो, अर्थ रॉड ही है, और इस वाले पिलर में फायर रॉड। चलो मैंने चारों पिलर्स में, ओ यहाँ पर शायद कुछ एक एगथास अल्टरटेक मून सेल, मुझे एक और एक मून सेल मिल चुकी है। मुझे एक मून सेल मिली थी तो मुझे वर्ड ऑफ पावर की शक्ति मिली थी, और इस वाले मून सेल से काफ़ी अच्छी मून सेल है, काफ़ी बड़ी भी है, पिछली वाली से तो बड़ी है, पिछली वाली तो एक कॉइन की जैसी थी, ये तो काफ़ी बड़ा है। एगथा प्रकट हो गई है, ये मून सेल काफ़ी पुराना है, गॉड्स के जमाने का है ये। अच्छी बात है, ठीक है। Is that why Wanda was here? In pursuit of this gift? ठीक है। Just as we started with you as a child, अच्छा। I allowed Wanda to experiment here, with the hope of focusing. ठीक है, ठीक है। But that is not what happened. ठीक है, काफी लोगों की बातें चलेगी, इन लोगों की बातों को मैं फटाफट से स्किप कर देता हूँ मैं। Mystery complete, Agatha's altar. तो मेरे पास जो कि मून सील पड़ चुका है, तो उस एगथा से मैं बातें कर लेता हूँ, ठीक है। चलो ये एगथा काफ़ी बातें करती है हमसे, चलो एगथा से तो हमने बातें कर लिया है, काफ़ी मुश्किल से हमने बातें किया है, और मैंने चारों के चारों रॉड्स को लगा दिया। ये अर्थ रॉड है, ये फायर रॉड होगा, ये वाटर रॉड, ये शायद से पता नहीं कुछ तो है, मैं भूल गया हूँ। चलो एगथा से मैंने बातें कर लिया है, ठीक है एगथा, अभी मैं एगथा से ज़्यादा अच्छा गुड बाय बोल दिया अगिता ने। तो मैंने काफ़ी सारे पूरे आबे को पूरा छान लिया, और छानते छानते मुझे ये 4 रॉड्स मिले। इनको ढूंढना काफ़ी मुश्किल था, फिर भी मैंने ढूंढकर इन
सारे पिलर्स में लगा दिया और मुझे मून सील मिल गया तो काफी बढ़िया बात है। तो इस मून सील को लेकर मैं सीधा जाऊंगा इस कि ये मून सील कहाँ पर यूज होगा, तो फटाफट से उस जगह पर मैं इसको यूज करूंगा और मुझे कुछ न्यू शक्ति मिलेगी, उस शक्ति को मैं ले लूंगा और आगे बढ़ते रहूंगा। हाइड्रा से भी हमें लड़ना है और एवेंजर्स की टीम का और ज्वाइन भी होगी, कुछ टीम्स तो हमारे पास ज्वाइन है तो बाकी सारी टीम्स तो आते रहेंगे, तब तक हम लड़ाई करते रहेंगे और डॉक्टर फॉस्टर्स को रोकते ही रहेंगे और डॉक्टर फॉस्टर्स का सारा प्लान ख़राब करके उसे भी ख़त्म कर देंगे। तो चलो गाइस, इस वाली मार्वल मिडनाइट सन्स की गेम प्ले वीडियो में इतना ही। आई होप आपको ये वाली गेम प्ले वीडियो ज़रूर अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नहीं हो तो गाइस रेड कलर का सब्सक्राइब बटन आ रहा होगा तो जाओ फटाफट से जाकर दबा दो। अब मिलते हैं किसी न्यू मज़ेदार गेम प्ले वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। Baby, is the game over?